के बुलंदशहर में बजरंग दल के जिलाध्यक्ष आदेश चौहान को पुलिस ने पीटा। इंस्टाग्राम पर एक हिंदू युवती का मुस्लिम युवक द्वारा वीडियो पोस्ट करने पर कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ता थाने के बाहर कर रहे थे हंगामा। बजरंग दल के जिलाध्यक्ष सहित चार कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने पर गुलावटी थाने पर 2 घंटे से जारी है हंगामा। प्रदर्शनकारी गुलावटी की कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अखिलेश त्रिपाठी, उप निरीक्षक अवयेंद्र कुमार, कांस्टेबल अमन चौहान, योगेंद्र बिगुड़ी, प्रयास सिसोदिया सहित 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग को लेकर हंगामा। सीओ सिकंदराबाद की मान मनोवर के बाद भी नहीं रुक रहा प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए 4 बजरंग दल आदेश चौहान, विशाल, मोंटी व राहुल को पुलिस ने छोड़ा। भाजपा के सिकंदराबाद के विधायक लक्ष्मी राज सिंह गुलावटी कोतवाली पहुंचे। बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष जी बुलंदशहर की गुलावटी कोतवाली पहुंचने वाले हैं। गुलावटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक द्वारा थाने में बजरंग दल के जिलाध्यक्ष को चांटा मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। आदेश जी क्या नाम है, किस पद पर सेवारत और क्या मामला है? आदेश चौहान है और मैं बजरंग दल का जिला संयोजक हूँ। बुलंदशहर जिले के गुलावटी नगर कस्बे में मैं रहता हूँ। आज क्या मामला हुआ, क्यों थाने पे हंगामा हो रहा है? अभी कुछ विगत दिनों एक मुस्लिम लड़के ने, साहिल नाम के लड़के ने, एक हिंदू लड़की की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर वायरल कर दी, जिसके लाखों लोगों ने उसे देखा। जब उसके संबंध में कल परिवारजन व संगठन के अन्य पदाधिकारी कल जब प्रार्थना पत्र लेकर थाने पर गए तो पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस लड़के के घर पर गई और वहाँ पर उसे छोड़कर ही आ गई, जिसके संबंध में आज मौके पर जब लड़का पकड़ा गया तो एक दो लड़कों ने उसके साथ में बदतमीजी हुआ, झगड़ा हुआ। जब उसको लड़के को मेरे द्वारा थाने पर लाया गया उसको बचाने के संबंध में, तो कोतवाल साहब ने मेरे साथ ही बदतमीजी शुरू कर दी। गुलावटी थाना प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी जी ने मुझे कहा कि तू कोतवाल बन जा और तू ही सारा काम कर ले, और ऐसा कहते हुए जब मुझसे नोकझोंक की तो मुझे बीच में से फाड़ने की धमकी दी। जब इस बात को लेकर हमारे कार्यकर्ता आक्रोशित हुए तो इंस्पेक्टर साहब ने मुझे, मेरे अन्य 4 कार्यकर्ताओं को खदेड़ते हुए पीटा, मुझे हवाला तो बंद किया, मुझे वहाँ पीटा। अंदर में ऑफिस में ले जाने के बाद में एक योगेंद्र विधोड़ी व संकुल नाम के 2 सिपाहियों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरे साथ मारपीट की, मेरे अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। उसके अतिरिक्त भी इंस्पेक्टर साहब के साथ में एक बैंसला नाम के व एक प्रयास सिसोदिया नाम के व एक अन्य दलों का यहाँ पर उपस्थित है, उन 5 लोगों ने भी मेरे साथ भरपूर मारपीट की, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे कपड़े फाड़ दिए, खून भी मेरे निकले थे, वो मेरे कपड़ों पर समय पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद भी मुझे धमकी दी गई कि यदि तूने बाहर जाकर फैसला नहीं किया, हमारे पक्ष में नहीं बोला, तो तुझे मुकदमा लगाकर तुझे जेल भेज देंगे, तुझे जेल में सड़ता रहेगा और तू बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसी धमकी देकर मुझे यहाँ लाया गया। क्या मांग है अब आपकी? मेरी मांग है उक्त मामले में जो भी आरोपित पुलिस वाले हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, जो आरोपी पकड़ा गया है उसको जेल भेजा जाए और हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक रूप से हमारी वापसी हो। अच्छा, पुलिस ने कोई आश्वासन दिया है, कोई सीसीटीवी फुटेज का भी कोई मामला है? कोई आश्वासन नहीं दिया है इंस्पेक्टर साहब की, मेरे और मेरे अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हुए की वीडियो समय पर वायरल है, वह देखी भी जा सकती है, लेकिन पुलिस के सभी अधिकारी इस मामले को दबाने में और योगी सरकार की चमक को नीचे करने में लगे हुए हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।